अगले सर को मैं बुलाना चाहता हूँ, डॉक्टर अब्दुल अजीज अंबेकर। सम्माननीय विद्वजन, दो दिवसीय संगोष्ठी के प्रथम सत्र के अवसर पर जो भी विचार, मार्मिक विचार प्रस्तुत किए गए, जिन पर बहुत चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है, उस सिलसिले में एक कवि ने कहा है कि चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, अलग रंग अलग आकार अलग रूप अगर किसी बाग में खिले हुए हों उससे बात बिगड़ती नहीं है। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। दक्षिणी के संदर्भ में स्वयं एक मूर्धन्य कवि ने कहा है कि तू दक्कन में रहता है दक्षिणीच बोल, तुझे क्या पड़ी है तू अपनीच बोल। मैं ये समझता हूं कि इसमें दक्षिणी भाषा की भाषिक संरचना, उसका सामाजिक बोध और सभी कुछ समाया हुआ है। इसी आधार पर आपके सामने कुछ विचार प्रस्तुत करने की हिम्मत कर रहा हूं। दक्षिणी हिंदी ये लोक जीवन से संपृक्त तो लोक व्यवहार के आधार पर पनपी आम जनता की भाषा है। बाद में उसे लोकाश्रय की सीमाओं से उत्कर्ष प्राप्त हुआ, राजाश्रय प्राप्त हुआ और वैभव भी प्राप्त हुआ, लेकिन बदली हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति के कारण आज वो फिर से लोकाश्रय ग्रहण किए हुए है। इसीलिए दक्षिणी हिंदी की संरचना का मूल आधार इस भाषा का व्याकरण शास्त्र नहीं है बल्कि अवामी बोली है। इसी पार्श्वभूमि में दक्षिणी हिंदी की संरचना भी आहिस्ता आहिस्ता क्षेत्रीय प्रभाव, विशेष रूप से विदेशी भाषाओं में फारसी और अरबी भाषाओं के प्रभाव, भारत में प्रचलित अन्य भाषाओं के प्रभाव से हुई। इसी तरह विविध धार्मिक आस्थाएं, विचार प्रवाह, विविध धर्म के मानने वाले लोगों की जीवन शैली का भी दक्षिणी हिंदी की भाषिक संरचना पर प्रभाव पड़ा। इसी तथ्य को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है, बोली बोल से बनती है, बोली बोल से बनती है, भाषा सदियों की गिनती है, बोली बोल से बनती है, भाषा सदियों की गिनती है, भाषा बनना खेल नहीं है, बनते बनते बनती है, भाषा बनना खेल नहीं है। ये मैंने विचार इस तरह ग्रहण किया कि मेरी हस्ती अजीब हस्ती है, रोज उधरती है रोज बसती है, बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने का साहस किया हूं कि बोली बोल से बनती है, भाषा सदियों की गिनती है, भाषा बनना खेल नहीं है, बनते बनते बनती, आपका कोई आक्षेप नहीं हो सकता। अच्छा, दक्षिणी हिंदी की संरचना के संदर्भ में और एक बात उल्लेखनीय है। आमतौर से आम जनता की भाषा साहित्य में प्रयुक्त होने से पहले, परिष्कृत और परिनिष्ठित होने से पहले उसे व्याकरण शुद्धता की कसौटी से गुजरना आवश्यक समझा जाता है, लेकिन दक्षिणी हिंदी के संदर्भ में यह तत्व पूर्णतः सिद्ध नहीं होता, बल्कि दक्षिणी हिंदी का व्याकरण प्रमुखतः दक्षिणी बोली का अनुगामी है। भाषा संरचना की दृष्टि से यही इसकी सबसे बड़ी उल्लेखनीय विशेषता है। अनेक भाषाओं का प्रभाव ग्रहण करने के बावजूद इसने अपनी इस विशिष्टता को बनाए रखा। दक्षिणी हिंदी के विविध नाम हैं। बदलते क्षेत्र और समय के अनुसार संरचना की दृष्टि से उसके बदलते हुए रूप का उसमें संकेत मिलता है। हम नामों की तालिका में विशेष उल्लेखनीय दक्षिणी, 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 हिंदवी, हिंदी, गुजरी आदि का उल्लेख कर सकते हैं।
लेकिन इसे दक्षिणी कहने में जहां तक एक और भौगोलिक क्षेत्र और सीमा का संकेत है, वहां दूसरी ओर इस विशेष भूप्रदेश से सामाजिक और सांस्कृतिक निष्ठा का भी संकेत मिलता है। इस क्षेत्र में बसने वाले हिंदू धर्मीय संतों तथा इस्लाम धर्मीय सूफियों ने सामूहिक रूप से इसकी अस्मिता को जन्म दिया है। यही कारण है कि धार्मिक सीमाओं से परे उन विशेषताओं को दक्षिणी हिंदी की भाषिक संरचना का महत्व प्राप्त है, जिसमें आचरणात्मक संस्कार, विवेक और सभ्यता, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परंपरा मुखरित हुई है। यही कारण है कि ये भाषा धर्म भेद या प्रांत भेद नहीं मानती। ईरान की फारसी भाषा से संबंधित इस्लाम के सूफी साधकों की तरह हिंदू धर्मीय संतों ने भी इस भाषा को अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप अनायास ही इस भाषा की संरचना पर उसका प्रभाव पड़ा। इस तथ्य का ऐतिहासिक संबंध नाथ संप्रदाय के गुरुओं की भाषा से, महानुभाव पंथों के प्रवर्तक चक्रधर स्वामी की भाषा से तथा वारकरी संप्रदाय के संत नामदेव से भी जोड़ा जा सकता है। इस परंपरा में संत ज्ञानेश्वर, संत आदि शेख मोहम्मद बाबा का उल्लेख भी किया जाता है। इस तरह से सूफियों और संतों की सामूहिक विचारधारा का दक्षिणी भाषा की संरचना पर प्रभाव पड़ा है, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। इस भाषिक संरचना की विशेषता यह है कि परभाषियों ने परस्थान से आकर इस स्थान में रहकर और यहाँ की संस्कृति को अपना कर यहीं की भाषा में अपनी सभ्यता और संस्कृति को एक नए आलोक में प्रस्तुत किया है। कुछ भाषा वैज्ञानिक सरहापा तथा अन्य सिद्धों को और वैरागी भाषा को भी दक्षिणी का आदि रूप मानते हैं। ये एक संशोधन और अध्ययन का विषय है। दक्षिणी हिंदी को शाह मीरान जी, शमसुद्दीन तथा अन्य सूफी कवियों ने खड़ी बोली भी कहा है, लेकिन उत्तर भारत की खड़ी बोली और दक्षिण की ये खड़ी बोली जिसका संकेत शाह मीरान जी ने दिया है, इसमें क्या अंतर है, इसका संशोधन भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ये खड़ी बोली भाषिक परंपरा के रूप में दक्षिण भारत पहुंची, इसके स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलते जिसका उल्लेख शमसुद्दीन ने किया है। कुछ मात्रा में ये प्रभाव इसलिए है कि दक्षिण भारत के शासक फारसी और तुर्की भाषा भाषी थे तथा उत्तर भारतीय क्षेत्र से कुछ साहित्यिक यहाँ दक्षिण प्रदेश में आकर बस गए थे। दक्षिण भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव का दक्षिणी हिंदी की संरचना पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मराठी है, जो महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा है। इस तरह बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, गुजरात प्रदेश में प्रमुख रूप से प्रचलित भाषाएं गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि भाषाओं ने भी दक्षिणी हिंदी की संरचनात्मकता पर बहुत अधिक प्रभाव उत्पन्न किया है। मराठी भाषा के इस प्रभाव को इस तरह समझा जा सकता है कि मराठी भाषा के लगभग ऐसा माना गया है कि 40% शब्द किसी न किसी रूप में दक्षिणी हिंदी में प्रविष्ट है, लेकिन इन शब्दों को दक्षिणी भाषा ने अपने स्वभावानुसार जो के त्यों ग्रहण करने की अपेक्षा अधिकतर ऐसा हुआ है कि उसमें परिवर्धन और परिमार्जन हुआ है। अभी कुछ शब्दों के मैंने उदाहरण दिए हैं जिसका उल्लेख अवस्थी जी ने किया, उसका मैं पुनरुच्चार नहीं करना चाहूँगा। अवस्थी जी ने मुहावरे और लोकोक्तियों का भी संकेत दिया, उसको मैं छोड़कर आगे बढ़ता हूँ। दक्षिणी हिंदी में मराठी भाषा की कुछ क्रियाओं का भी प्रयोग मिलता है। ये भाषा वैज्ञानिक आधार पर ये चर्चा प्रस्तुत है। और जैसे उपटना, उगना, आनना, बैसना, पाड़ना, साधना, मराठी भाषा के प्रभाव से क्रिया विशेषणों के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि चाड़ी काटना या घट पकड़ना, सरस होना, नीट चलना, उतावला होना आदि। मराठी भाषा के कुछ शब्दों के उच्चारण की सुविधा अनुसार परिवर्तित रूप भी मिलते हैं, जैसे सपड़ना का सपड़ना, अधिक का अधिक, साधना का साधना, काढ़ना का काढ़ना, मेड़ का मेड़ आदि। इस संदर्भ में दक्षिणी काव्य के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उसी कुतुब शाह अपनी एक गजल में कहते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध गजल है, ये पंक्तियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं, कि जिस ठार जाती हूँ मैं,
कुछ वक्त गमता नहीं मेरा, विरह भाना है इसमें अभिव्यक्त, जिस ठार जाती हूं मैं कुछ वक्त गमता नहीं मेरा, आंगन दिसे कोंड मारा मुझे, कोंड मारा, कोंड वाला जिसको कहते हैं मराठी में कोंड वाला, और दार ने नहीं कुछ खत मुझे। कुतुब शाह ने अरबी अपनी प्यारियों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए भी कहा है, कालियां और गोरियां सखियां जग में जो थ्या सो बिसर्या, और कौली सखी को देखत मैं सुध भूलिया दकन में। और एक स्थान पर कुतुब शाह कहता है कि जवानी जोवन है सब पावना, और के तुझ थे हुए हैं ऐसी साई को जम, पावना यानी पाहुना, पाहुना ये मराठी शब्द है। मन के भावों को अभिव्यक्त करने वाली शब्दावली का एक सुंदर उदाहरण इस तरह है, मेरे मन के संताप सब दूर कर, संताप ये शब्द, कि मैं हूं तेरे वसल की मद की माती, दिल के अंधेरे को दीदार नहीं हो सकता, दिल के अंधेरे को दीदार नहीं हो सकता। इस तथ्य को अभिव्यक्त करते हुए गवासी कहता है, नहीं रोशन दिला को बाज खत दीदार का हरगिज, नहीं रोशन दिला को बाज खत दीदार का हरगिज, जो कोई अंधला अच्छे दिल का उसे दीदार से क्या साथ। सूफियों द्वारा जो दक्षिणी हिंदी की साधना हुई है उसमें विशेष रूप से फारसी भाषा के प्रभाव से दक्षिणी हिंदी की संरचना पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है, जिसका अलग से अध्ययन भी प्रस्तुत किया जा सकता है। दक्षिणी भाषा की संरचना का दक्षिणी भाषा की संरचना पर प्रभावित एक और महत्वपूर्ण तत्व विविध धर्म और संस्कृति का प्रभाव है। भाषा का प्रभाव अलग, धर्म और संस्कृति का प्रभाव अलग, धर्म और संस्कृति का प्रभाव ये भी एक उसकी संरचना पर प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। दक्षिणी सूफी साहित्य प्रकार या विधाएं और साहित्यिक प्रवृत्तियां रही हैं, उनका भी भाषिक संरचना दक्षिणी भाषा की संरचना पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। मराठी के भारूड संतों ने लिखे हुए, गवळण संतों ने लिखे हुए, लावणी प्रेम काव्य लिखी हुई, इस तरह के साहित्यिक विविध विधाओं ने भी दक्षिणी भाषा का नया रूप और सौंदर्य निखारा है। इस सिलसिले में दक्षिणी भाषा और साहित्य के सौंदर्य में फारसी साहित्य के मर्सिया, जो पहले मौजूद नहीं था, कुछ विधाएं ऐसी जो पहले मौजूद थी उसने प्रभावित किया दक्षिणी को, कुछ विधाएं ऐसी है जो यहाँ पहले मौजूद नहीं थी मगर दक्षिणी के बहाने से वो प्रचलित हुई, जिसमें महत्वपूर्ण है मर्सिया, मसनवी का जितना अध्ययन और विचार हुआ है यहाँ, मगर ये मर्सिया, एक बात इधर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा कि इन दो विधाओं का जितना दक्षिणी साहित्य में विचार और अध्ययन हुआ है, किसका, मर्सिया और मसनवी का, इसका जितना अध्ययन हुआ है, जितना विचार हुआ है, जितना संशोधन हुआ है, उतना दक्षिणी प्रदेश की विविध भाषाओं की विविध साहित्यिक प्रवृत्तियों का और उसके प्रभाव का भाषा संरचना के संदर्भ में अध्ययन और खोज का काम होना अभी शेष है। सुबह इस बात पर विद्वान महोदय ने बहुत अच्छी तरह प्रकाश डाला और संकेत किया है कि अभी तक इस बारे में संशोधन की दिशा होना ये एक अपूर्तता है, इसकी पूर्णता आवश्यक है, जो दक्षिणी भाषा के संरचनात्मक स्वरूप को समझने में सहायक होगा। ये एक तथ्य भी विचारणीय है कि आज दक्षिणी भाषा का साहित्यिक रूप धुंधला होता जा रहा है। यह भाषा अब दक्षिण प्रदेश के कुछ भागों में, विशेषतः देहातों में, बोली के रूप में सीमित होकर रह गई है। दक्षिणी भाषा के वर्तमान संरचनात्मक रूप को समझने के लिए देहातों की दक्षिणी बोली तथा यहां प्रचलित लोक साहित्य का अध्ययन होना भी आवश्यक है। अपने इन्हीं विचारों के साथ मुझे यहाँ अवसर दिया गया तो व्यवस्थापकों का मैं आभार मानते हुए मैं अपील करता हूँ।